टाइम में इंडियन आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। हाइकिंग, छोटा सा हाइकिंग इस जंगल में। बिच्छू वो है, बिच्छू जगह का नाम है बिच्छू। नहीं वहाँ पे वो स्कॉर्पियोज नहीं मिलते। ओके गाइस, सो दिस इज़ द फोर्थ डे, 7th of December। कल भी मैंने 7th of December बोल दिया था बाई मिस्टेकली, कल था 6th of December। सो दिस इज़ आवर लास्ट डे ओवर हियर इन लाचुंग। और कल हम लोगों को जो हॉट स्प्रिंग बात था उसमें बहुत देर हो गई थी, तो वी कुडेंट गो टू आवर लास्ट डेस्टिनेशन विच इज़ माउंट कटाओ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग रुके हैं होटल समिट में। यहाँ का कम्फर्ट, फूड, एम्बियंस, सब चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इस होटल के बारे में वो है यहाँ के मैनेजर। सो दा प्लीज़ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए और होटल के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपेश, मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ सब कुछ लाचुंग समिट का। तो ये मेरे फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, इनको थोड़ा बहुत मैंने गाइडेंस किया, इधर उधर घूमने जाना ये सब मैंने उनको बताया। तो वाकई में अगर आप लोग भी आना चाहते हैं नॉर्थ सिक्किम, लाचुंग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ का ब्यूटी कुछ डिफरेंट है। अगर आप नेचर से, नेचर को पसंद करते हो, तो यहाँ पर आके आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। सो दैट्स इट, आइएगा इधर, घूमिएगा हमारे साथ, हमसे जो भी होगा हम करेंगे आप लोग। और जैसे कि हम लोग जैसे लाचेन गए थे, हमें गाइड करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए, दाने हमारा हर एक चीज़ का ख्याल रखा, चाहे वो कम्फर्ट का हो, चाहे वो हमारे वार्म्थ का हो, हीटर से लेके हर एक चीज़। और गाइडेंस में इन्होंने इतना अच्छा से गाइड किया कि सब हम लोग अच्छे से आराम से, हम लोग जाने से पहले हम लोगों को मालूम था कि हमें यहाँ यहाँ जाना है। सो अगर जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही चीज़ हो गया। अगर हम लोग लाचुंग आ रहे हैं तो डेफिनेटली आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दिस होटल, द होटल समिट। सो आप भी आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं होटल का सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालकर, शायद नंबर नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड आप रुकिए, आई एम डेट श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। सो अब हम लोग का प्लान है यहाँ से कटाओ जाने का, जैसे मैंने बोला, लेकिन परमिट सभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो कन्फर्म नहीं है। जो जो भी जैसा भी होता है मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हम लोग जा रहे थे माउंट कटाओ की तरफ और हम लोग को परमिट नहीं मिला। क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, ये दा हमें बताएंगे। ही हैज ऑल्सो अकम्पनीड अस। एक्चुअली हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो नीचे चेक पोस्ट में बताया गया कि परमिट इशू नहीं है, पर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा जान पहचान होने के कारण हमें यहाँ तक अलाउ किया। बाकी टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है अभी फिलहाल के लिए ये बंद। आप लोग सीजन टाइमिंग में आएंगे तो उस समय तक शायद खुल जाएगा। मेन सीजन जो है मेन सीजन अप्रैल के टाइम पे आप लोग आ जाइए। अप्रैल मई जून तक आपका सीजन रहेगा, उस समय ओपन रहेगा। यहाँ से भी काफ़ी आगे तक आपको जाने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर कटाव है। आई थिंक हम कटाव से दो तीन किलोमीटर पीछे हैं। अभी ऑथोराइज इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोकल हैं, येदा भी हैं, हमारे एक शेफ दा हैं, मैं उनसे भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा थोड़ी देर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी वगैरह का कोई मार्क ही नहीं है। सिर्फ मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इतने सारे लाचुंग में इतने सारे जैसे आउटस्कर्ट्स है गैंगटॉक से जी मेन टाउन से, लेकिन यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, क्लिनिक, फार्मेसीज मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे लोकल्स अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उन लोग मतलब कैसे हैंडल करते हैं सब? यस, यहाँ पर लोकल आपको लोकल मेडिसिन शॉप या फिर केमिस्ट शॉप नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हमारा इंडियन आर्मी है वो इस टाइम में इंडियन आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। तो उनके पास जाते हैं, उनका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग, चेकअप करते हैं, तो उसी से ही थोड़ा बहुत चलता है। अगर सीरियस मैटर होने के बाद सीरियस मैटर हो जाता है तो वो गैंगटॉक में रेफर होते हैं। ताकि ज़्यादातर तो लोकल मेडिकल हेल्प के लिए इंडियन आर्मी पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा दिख रहा है। ना कैमरा बिगड़ कैमरा बिगड़ जाओ। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइन ट्री, ये भी पाइन ट्री है। हमारे वहाँ पे जो कर्शियांग दार्जिलिंग में होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन इसे वो बहुत डिफरेंट पाइन ट्री था। ये पाइन ट्री का नाम क्या था? सिल्वर पाइन। हाँ, सिल्वर पाइन। सो आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेट जाके इसके जो ब्रांचेज है बिल्कुल अलग यहाँ के निकले हुए हैं।
तो हम लोग यहाँ से थोड़ी ऊपर तक पैदल ही जा रहे हैं ऊपर, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे सारी ब्लैक आइस भी जमी हुई है, गाड़ी वैसे भी जाती भी नहीं, शायद इसीलिए भी परमिशन नहीं मिली हो हम लोगों को। बोलना भी भूल गया कल, जो वो हॉट स्प्रिंग था वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे, अगर आप जाते हैं हॉट स्प्रिंग में बात लेने के लिए तो उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं ना नवम? नहीं लगते, एकदम जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट है। माय बैकग्राउंड कितना अच्छा रहा है। और जैसे जो लाचुंग और जीरो पॉइंट है, जब चाइना ने टिबेट को ऑक्यूपाई नहीं किया था ये ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था पहले, लेकिन जब चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है पास, चलो अब नेक्स्ट फ्रेम नेक्स्ट शॉट में तरुण आएगा। आइस का जवाब, आइस से आइस का जवाब। ये पूरी शीट बन चुकी है ये, वाओ। गौर से देखिए इन लोगों को, पवन को और वहां पे तरुण को, सारे लैंड्स के पूरे सारे डैमेज कर रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी गाड़ी में घूमे, लेकिन अब हाइक कर रहे हैं तो आराम से 360 व्यू लेते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों तो कटाव के बारे में सुना भी नहीं था, ये दाए इन्होंने बोला कि कटाव जाना अच्छी जगह है, तो आए। कटाव तो नहीं पहुंच पाए, और कटाव भी शायद रेस्ट्रिक्टेड एरिया ही है, इट इज़ वेरी क्लोज टू चाइना, लेकिन टिबेट कैप्चर्ड बाय चाइना है ये। यस इंडीड इंडीड, वाओ यहाँ का लैंडस्केप देखिए, रॉकी रॉक है पूरा। एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द जंगल, देख सकते हैं पूरी पाइन ट्रीज वगैरह पूरी सूख चुकी है। आज ट्रैक का भरपूर मज़ा उठा रहे हैं हम लोग, ट्रैक नहीं हाइकिंग, छोटा सा हाइकिंग इस जंगल में। अब यहाँ से हम लोग एक रोड कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से हम लोग तो जाएंगे वापस तरुण अपने। कल इसने लेकिन बहुत बुरा किया हम लोगों के, मेरे साथ साइंटिफिक रीज़न नहीं बताया इसने आइए, और इसका पीछे का साइंस तरुण बताएगा कैसे होता है, मतलब बता ना। ये तो बटरफ्लाई तो है ना, ये तो लवे होली रे, ए होली रे, होली रे। ए पिछाड़ी पिछाड़ी होता पिछाड़ी घूमता अम्मा हो। ओके अब होगी स्नो फाइट, सुनो स्नो फाइट हो गया। दामी 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 डाउन कोले चित्ते से डाउन कोले भैया दामी दामी लो दामी आए भिडियो से। तो हम लोग पानी नहीं लाए, तो दा ने हमें बोला कि आप स्नो को भी जो स्नो है ये ऐसे लेके मुंह में मेल्ट करके यू कैन ड्रिंक ईट इट और ड्रिंक इट, सो आई ट्राई। ठंडा है खाना, ठंडा है खाना री जो होटल में हमें बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा और फ्रेश फ्रेश खाना खिलाया, वो खिलाया हमारे शेफ दा, पॉपुलरली इनको सब शेफ ही बोलते हैं, शेफ दा इनका नाम है कुशल तामंग। सो दा थैंक यू फॉर द फूड, आई
एकदम राम्रो थियो। देखिए आप ये पेड़ को यहाँ से काट दिया है और ये ठीक पेड़ के ऊपर से जो कटा हुआ पेड़ के ऊपर से एक ब्रांच निकल रही है। तो इससे आप एक चीज़ सीख सकते हैं, लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो, ब्रेकडाउन्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद भी लाइफ होती है, उसके बाद भी हासिल होता है और उसके बाद भी ग्रोथ होती है, और वो पेड़ एक जीता जागता एग्जाम्पल है उसका। अनदर व्यू पॉइंट, और यहाँ के बारे में भी हमारे दा बताएंगे दा अबाउट दिस व्यू पॉइंट। ये आपका कटाव के रास्ते पे ही पड़ेगा, ये व्यू आपका कटाव जाते हुए रास्ते में पड़ेगा। यहाँ से आपको होल लाचुंग, लाचुंग का जितना भी एरिया है सभी व्यूज दिखेगा यहाँ। जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं यहाँ पे, ये समिट होटल का वाटर सोर्स, लाचुंग का वाटर सोर्स है ये। अगर आप देखेंगे ये पूरा जो वाटरफॉल दिख रहा है, और यहाँ से पूरे लाचुंग में पानी सप्लाई होता है, चुंगी नहीं दिखता है यहाँ से, और बहुत सारी जगह भी दिखते हैं जो इन्हें मालूम है। तो अब बताएंगे हम लोग कौन कौन सी जगह है। कौन सी रहता पहला फर्स्ट देखो जो आपको ये सबसे ये दूर दिख रही है, ये वाला इधर ये कौन सी जगह बिच्छू हो? वो है बिच्छू, जगह का नाम है बिच्छू। नहीं वहाँ पे वो स्कॉर्पियोज नहीं मिलते हैं। और इसे ये जगह का नाम है सिंगरिंग। अच्छा फुटबॉल ग्राउंड थम्ची, जगह का नाम है थम्ची। त्यो माथि चाहिँ लाचुङ सुमित होटल भएको फाका, अच्छा जो सुमित जहाँ चाहिँ सुमित होटल छ त्यसलाई चाहिँ फाका भन्छ। अच्छा जो ये सुमित होटल जहाँ हम लोग ठहरे हैं उस बोलते हैं यहाँ पे सुमित होटल फाका। फाका भनेको मतलब त्यो एरिया इधर एरिया जग्गाको नाम। अनि यता चाहिँ डोगरा। ओ डोगरा डोगरा यही होता है फायदा यहाँ लोकल लोग लाने का है। तर सब जगह को लाचुंग ही बोलते हैं। सब लाचुंग भित्र का ये सारे जो लाचुंग में सारे गाँव इंडिविजुअली डिवाइड हुए हैं वो सारी चीज है। नाइस आप भी कोशिश कीजिएगा अगर आप लाचुंग आते हैं तो किसी लोकल के साथ आप एक्सप्लोर करें, इस तरीके से आप बहुत चीज़ें जान पाएंगे। ओके गाइस, सो द टाइम इज़ नाउ 1 एंड वी आर बैक एट आवर होटल। और अब यहां से हम लोग जाएंगे कर्शियांग की तरफ, एंड ऑल्सो वी कम टू द एंड ऑफ द व्लॉग। एंड वैसे तो हम सारी जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ भी गए जैसे भी गए इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, वी इन्जॉयड द मोमेंट। सो आई होप अभी ये, और मुझे नहीं मालूम कि मैं ये व्लॉग कितने पार्ट में बनाने वाला हूँ, 1, 2 या 3, लेकिन जैसा भी अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसे लगा, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप लोग ये शेयर करते हैं, ये वीडियोज़ देखने में मज़ा आता है आप लोगों को। तो गाइस तुम लोगों की कैसी थी ट्रिप, मज़ा आया नहीं आया, क्या एक्सपीरियंस था? मस्त, एकदम ट्रिप मस्त था। फिर से आएंगे अप्रैल मई में, क्योंकि बहुत जगह छूट गया है। बहुत जगह छूट गया है, लेकिन छूटने के बावजूद हम लोग ने एंजॉय बहुत किया। सो एक और नवम, इट वाज अ नाइस ट्रिप आउट हियर, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन लाचुंग। लेट्स सी अंटिल नेक्स्ट टाइम। आपको कैसा, मजा आया कि नहीं आया? ऑसम ट्रिप, आई वुड लाइक टू कम बैक। हां, डेफिनेटली वी विल कम बैक, सब होता है। So anyways guys, I'll see you next time in the next vlog. I am Abu Huraira signing off. Bye, see you next time.